नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं बारकोड के बारे में। वैसे हम बारकोड के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि बारकोड एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब इसका दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इसके बदले नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो जानते हैं कि बारकोड कब आया था, किस काम में इस्तेमाल हुआ था और क्यों इसे बंद किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छा वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियो पाना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बारकोड आके व्हाइट और ब्लैक लाइन में जो एक लीनियर फॉर्मेशन में होता है उसी हम बारकोड कहते हैं, और एक 1D फॉर्मेशन है क्योंकि एक लीनियर फॉर्मेशन है। इसीलिए बारकोड को स्कैन करने के लिए एक स्पेशल बारकोड रीडर चाहिए जो कि एक लेजर के जरिए काम करता है। मतलब वो एक स्पेशल ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसका जो लेजर है वो बारकोड के ऊपर जब पड़ता है तो वो पूरा कोड को स्कैन करता है और उस कोड का जो मतलब है वो स्क्रीन में दिखाता है। बारकोड को बनाया गया था नॉर्मैन और बर्नर्ड के जरिए 1951 पे। वैसे ये दोनों बारकोड बनाने का आइडिया मिला था मॉर्स कोड के जरिए। मॉर्स कोड एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो लाइट एक चीज पर पड़ता है बंद होता है, पड़ता है बंद होता है। इस एक लाइट से दूसरे लाइट के अंदर का जो डिफरेंस होता है उससे एक कोड जेनरेट होता है, तो उसे मॉर्स कोड कहते हैं। बारकोड भी बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बारकोड पे व्हाइट और ब्लैक कलर का लाइन्स होता है। जो ब्लैक लाइन से वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो व्हाइट लाइन से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी एक स्कैनर के जरिए उसे स्कैन किया जाता है तो कुछ लाइट वापस आता है और कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे जरिए वो जो स्कैनर वो उस बारकोड के अंदर का जो कोड है वो इसे पढ़ सकता है। जब 1951 में ये बारकोड बनाया गया था, इसे कॉमर्शियली सक्सेस पाने के लिए 20 साल लग गया था, क्योंकि जब तक सुपरमार्केट बहुत जगह पर नहीं हुआ था तब तक इसे सफलता नहीं मिला था, क्योंकि सुपरमार्केट में इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सुपरमार्केट में बहुत ही सारे लोग थे और जो बिल पेमेंट प्रोसेस था उसे और भी तेज करने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई किया गया था। लेकिन आज का जो बारकोड है बहुत ही छोटा होता है और उसे स्कैन करने के लिए एक लेजर होता है, लेकिन पहले के दिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले जो बारकोड था वो एक बड़ा सा डेस्क के अंदर था और उसे पढ़ने के लिए एक 500 वाट का बल्ब इस्तेमाल किया जाता था जो कि बहुत ही गर्म होता था। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो ये जो बल्ब का साइज धीरे धीरे छोटा होता गया और फाइनली लेजर पे आ चुका, और जो बड़ा डेस्क था वो धीरे धीरे छोटा होते होते एक छोटा सा साइज में आ चुका है। वैसे ये जो बारकोड होता है, बारकोड में ऑलमोस्ट 20 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता है, और जितने भी इंडियन कंपनीज है, आप शायद ऐसा नोटिस नहीं किए हो, लेकिन जो इंडियन कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट के पहले जो बारकोड इस्तेमाल करता है वो हमेशा 890 से शुरू होता है, क्योंकि अभी बारकोड कंट्रोल करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है एक कंपनी जिसका नाम है GAS1 या ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। ये जो कंपनी हर एक कंट्री को कुछ बारकोड अलॉट करता है, जैसे USA या फिर दूसरे कंट्रीज को बहुत सारे बारकोड अलॉट कर चुका है, और इंडिया को जो बारकोड अलॉट हुआ है वो बारकोड के पहले के 3 अंक है वो है 890। इसके बाद जो अंक होगा वो होगा कंपनी कोड, और उसके बाद जो अंक होगा वो होगा प्रोडक्ट कोड। और ये जो कंपनी, इस कंपनी को दुनिया के सारे देश के सारे कंपनी बहुत सारा पैसा पेमेंट करता है ये बारकोड खरीदने के लिए। वैसे ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए जो भी पैसा आता है वो नए नए बारकोड, नए नए टेक्नोलॉजी और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में लिया जाता है। लेकिन ये जो बारकोड टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक क्यों खत्म होता जा रहा है मैं इसका कारण बता रहा हूँ। पहला कारण, ये जो छोटा सा बारकोड होता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, मतलब बारकोड को स्टिकर के ऊपर चिपका जाता है, अगर वो स्टिकर थोड़ा सा फट जाए या फिर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो स्कैनर वो कोड को बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकता। दूसरा प्रॉब्लम, बारकोड के अंदर बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसे नहीं डाल सकते। दूसरा प्रॉब्लम, तो इन सारे समस्या को ठीक करने के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन बारकोड आया है उसका नाम है QR कोड या फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसमें ऑटो एरर करेक्शन मेकानिज्म है, मतलब अगर वो कोड थोड़ा सा फट जाए तो भी मशीन उसे स्कैन कर सकता है, और उसमें बारकोड में जितने भी इन्फॉर्मेशन है उससे लगभग 300 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। वैसे QR कोड के जो पॉसिबिलिटी है और डिसएडवांटेजेस है इसके बारे में फ्यूचर में वीडियो जरूर बनाऊंगा, और QR कोड का भी एडवांस वर्जन आने वाला है जिसे कहा जा रहा है कि 3D QR कोड। उसमें QR कोड से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर में होगा, और QR कोड 2D स्ट्रक्चर में और बारकोड 1D स्ट्रक्चर में था। तुम्हें तो आपको समझ में आ गया होगा कि बारकोड क्या है,
किन कामों में इस्तेमाल होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है और क्यों बारकोड को धीरे धीरे क्यूआर कोड के जरिए रिप्लेस किया जा रहा है। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।